प्रेम गंगा बहने दो, अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो। क्यों करते हो देश से दंगा, रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, अपनी घर की छत पर एक तिरंगा रहने दो। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इसलिए कहा है देश ये तुम्हारा है, देश ये हमारा, जिस धर्म में सच्चाई हो, जिस धर्म में सच्चाई हो, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब है सच्चाई वाला, जो हमें सच्चे रास्ते पर चलाए दिखाए। तो ये जो जो दंगे हो रहे हैं, ये धर्म सच्चाई पर है? हर किसी में हर धर्म सच्चा है। हर धर्म में एक किताब है, लेकिन हमने उस किताब को पढ़कर नहीं देखा कि उसमें है क्या। अगर हम अपने अपने धर्मों की किताब को पढ़कर जब जब मैदान में आएंगे, तो ये एक धर्म होगा इस्लाम, जिसको कहते हैं हिंदी में सनातन धर्म। सही बात है, ये एक धर्म इस्लाम, हिंदी में कहते हैं उसको सनातन धर्म। इस्लाम सच्चाई की राह, सच्चाई दिखाने वाला, सच्चाई की चलने वाला। सही बात। लेकिन
अकल के अंधों हैं। ये समझ में आ गया है, हम इनको मिटा दें, इनको खत्म कर दें, तो किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो हमें मिटा दे, सच्चाई को मिटा दे। बतेरे आए फिरौन, शद्दाद नमरूद आए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन इस्लाम इस्लाम रहा। सही बात है, क्या बात, इस्लाम का बाल बाल का इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में है, बेशक जो सच्चाई है वो अल्लाह की हिफाजत में है, उसे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि इस्लाम की ताकत और बढ़ जाती है जब हमारी कुर्बानी होती है, जब हम इस्लाम पर अपनी कुर्बानी देते हैं तो हमारे इस्लाम की शान और कुर्बानी होती है। कहा है आ गई है तो रह गई नहीं जाने वाली, उम्र भर ये सफेदी नहीं जाने वाली, मैं मरूंगा तो यही दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, अंग्रेजों से देश को मुक्त कराया है कुर्बानियां देकर, जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी इतनी कुर्बानी किसी ने भी नहीं दी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। कहना है कि यही मरूंगा, कहीं उम्र भर भर जाऊंगा, तुम हमें निकालोगे, तुम्हारे बाप का देश है ना, यही मरूंगा, कहीं उम्र भर भर जाऊंगा, ये जमीन माह से छोड़कर मर जाऊंगा, ये जमीन माह से छोड़कर मर जाऊंगा, क्या है तू भी माने मुझे, वुजू करके महाजे चक्कर से मैं लौट कर आऊंगा। दुश्मन से तो वाकिफ हूं, अंदर कौन है, दुश्मन से तो वाकिफ हूं, अंदर कौन है ये पता करना है हमें, मीर जाफर कौन है जो वतन के वास्ते में जाए टीवी की तरह
आज के हिंदुस्तान में ऐसा रहबर कौन है? प्यार के मंजिले मकसूद यही मानते हैं। क्या बात है, कह दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलेगी, ऐसे मिटा दोगे हमें, मिलेगी मंजिले मकसूद यही मानते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।